यूके बेस्ड एक कंपनी है जो कि एक दूसरी कंपनी के साथ में मिलके कई सारे रोबोट्स बना रही है और उनको चाहिए उन रोबोट्स के लिए फेस। तो उसके लिए वो क्या चाह रहे हैं कि लोग आए और अपना फेस उन रोबोट्स को दें। ऐसे नहीं कि मुंडी काट के वो उसमें फिट करेंगे, नहीं, वो वहाँ पे बस आपके ही फेस की नकल करके उस रोबोट को उसी तरीके का मास्क बना के दे देंगे, जिसके लिए वो आपको 90 लाख रुपए तक दे सकते हैं। आ गया मुंह में पानी, यहाँ पे एक कैच है, उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ कई और न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। तो दोस्तों, ये कंपनी है यूके बेस्ड जिसका नाम है जियोमिक, जो कि दूसरी कंपनी के लिए काम कर रही है और उनके लिए रोबोट्स बना रही है। लेकिन जिस कंपनी के लिए काम कर रही है उनके साथ में इनका एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है जो है NDA, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जहां पर दूसरी कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि किन के लिए रोबोट्स बना रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि फेस लाए ये कंपनी असली लोगों के, तो वहां पर इन्होंने एक चीज रख दी है कि भैया 90 लाख रुपए लो और अपना फेस हमको दे दो यूज करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत से लोग अप्लाई करेंगे जिसके बाद में उसमें से एक ही जीतेगा, चाहे करोड़ों लोग अप्लाई कर दें उसमें से एक जीतेगा जिसका ये फेस यूज करेंगे, तो उसको ही वो 90 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि ये जो लाइसेंस बनेगा आपका फेस यूज करने वाला, उसके अंदर चाहे कंपनी अरबों खरबों कमा ले, वो आपको सिर्फ 90 लाख ही देगी। और इसी के साथ साथ उसके बाद में वो कहीं पर भी आपका फेस यूज़ कर सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उनको सू भी नहीं कर सकते, चाहे आपकी प्राइवेसी को लेके हो या फिर आपके फेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने रोबोट्स के साथ में, क्योंकि कई अलग तरीके के रोबोट भी बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये लाइसेंस सिर्फ 10 साल 20 साल के लिए बनेगा, ये पूरे लाइफ टाइम के लिए बनेगा और वो कितनी ही बार आपका फेस यूज कर सकते हैं अपने हजारों रोबोट्स में। तो यहां पर ये है कुछ चीजें जो कि यूके में चल रही हैं जियोमिक कंपनी द्वारा। इसी के साथ साथ यूरोपियन सैटेलाइट ने कैप्चर किया है स्पेस से एंटार्क्टिका आइस शीट में आई दो क्रैक्स को, जो करीबन 20 किलोमीटर लंबी है, जो कि इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा वॉरिंग साइन है, जो बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट किस तरीके से फैल रहा है उन जगहों पर भी जहां पर करोड़ों अरबों साल पुरानी बर्फ थी जो कि अब धीरे धीरे पिघल रही है। और ये एक बहुत लंबा क्रैक है जो कि बताता है कि अब नहीं किया किसी ने सुधार तो शायद आने वाले वक्त में बहुत बुरा देखने को मिल सकता है। इसके बाद में बात करते हैं एक रेफ्यूजी के बारे में जो कि साउथ सुदान के रहने वाले थे, लेकिन उनकी कंट्री में चल रही वॉर की वजह से वो दूसरे कंट्री में जाके शरण लेने पर मजबूर हो गए। इनका नाम है लुआल मेयान, जो कि अब एक गेम डेवलपिंग कंपनी के CEO बन चुके हैं, जो है जुनब गेम्स, जो कि इनकी खुद की कंपनी है। दरअसल ये जब रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे तो इनको आती थी गेम्स वगैरह, लैपटॉप पे काम करना, ये सब इन्हें आता था। लेकिन वहाँ पर इनके पास में पैसे नहीं थे ना लैपटॉप थे, इनकी मदर ने कपड़े सी कर दूसरों के किसी तरीके से $300 जमा किए, जिसके बाद में इनकी मदर ने ही इनको एक लैपटॉप दिलवाया जिससे इन्होंने अपना कैरियर ही बदल डाला। इन्होंने गेम बनाई सलाम, जहाँ पर किस तरीके से रेफ्यूजी सर्वाइव करता है उस पर ये गेम बेस्ड थी, जिसमें पानी ढूंढना होता है, एनर्जी पॉइंट ढूंढने होते हैं, फूड ढूंढना होता है और इसी के साथ साथ बम वगैरह से भी बचना होता है। तो ये इस तरीके की गेम थी कि रेफ्यूजी की लाइफ किस तरीके से होती है। लेकिन रेफ्यूजी कैंप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, ये कई किलोमीटर दूर जाते थे पैदल उस लैपटॉप को चार्ज करवाने के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने खुद की गेम बनाई सलाम नाम की, जिसके बाद में इनको Washington DC में भी बुलाया गया और इसी के साथ साथ इनकी खुद की कंपनी तो अब बनी चुकी है गेम की, और इसी के साथ साथ इनको कैनेडा के अंदर सिटीजनशिप भी मिल चुकी है। एक बात तो आप सभी को मालूम चल चुकी है कि एजुकेशन अब एक बिजनेस बन चुका है। चाहे आप किसी स्कूल में जाओ, लाखों रुपए फीस दी जाती है, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, ये कहा जाता है कि आपको इन द एंड बढ़िया जॉब मिल जाएगी, आपकी प्लेसमेंट हमारे द्वारा ही करवाई जाएगी, फलाना ढिमकाना कई चीज़ें कही जाती है। लेकिन जब आप उस इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स कंप्लीट करके निकलते हो या फिर किसी कॉलेज से निकलते हो, आपको कुछ नहीं मिलता सिवाय धक्कों के। आपके पास में डिग्री होती है, लेकिन टैलेंट जिसके पास में होता है वो निकल जाता है, जिसके पास में नहीं होता वो लाखों रुपए की फी देके वहीं रह जाता है। लेकिन एक स्कूल है जिसका नाम है मसाई स्कूल, जहां पर कोडिंग सिखाई जाती है, इनके जितने भी प्रोग्राम है वो कोडिंग रिलेटेड है, जहां पर कोई फी नहीं ली जाती। अगर आप में पढ़ने की इच्छा है, आप में पढ़ने का जज्बा है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हो, वो भी फ्री में। और जब आप
इस लायक बन जाओगे कि आपकी जॉब लग जाएगी और आप फी चुकाने लायक हो जाओगे, तब आप इनको अपनी फी चुका सकते हो। तो ये एक स्कूल है जो कि एजुकेशन का रियल मतलब अब समझा रहा है। दोस्तों आजकल ड्रोन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, हर कोई उड़ाता रहता है ड्रोन को और दिखाता रहता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड करी, वो वीडियो रिकॉर्ड करी। लेकिन मेरे हिसाब से ड्रोन का अगर किसी ने अभी तक सही यूज़ किया है तो वो इस बंदे ने किया है। दरअसल मिनिसोटा के अंदर एक 6 साल का ईथन नाम का लड़का खो गया था, जिसको 600 बंदे ढूंढे जंगल के अंदर, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पुलिस का हेलीकॉप्टर भी उसको सर्च में लगा हुआ था लेकिन नहीं मिल पाया। करीबन 10 घंटे यहाँ पर हो चुके थे इसको ढूंढते हुए। उसके बाद में एक लोकल रेजिडेंट सामने आया जिसका नाम था स्टीव फाइंस, जिन्होंने कुछ ही मिनटों में ईथन को ढूंढ लिया क्योंकि इनके पास में था ड्रोन, और इसी के साथ साथ इन्होंने उसमें लगा रखा था एक हीट सेंसर, जिसकी मदद से उसने हीट को डिटेक्ट करते हुए ये देखा कि ईथन अपने डॉग रेमिंगटन के साथ में लौटा हुआ है जंगल के किसी हिस्से में, जहां पर लड़के को हालांकि ठंड लग चुकी थी लेकिन फिर भी लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जान बचा ली गई थी, क्योंकि जंगल में खो जाने के बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक जवान आदमी के लिए सर्वाइव करना, ये तो एक बहुत छोटा बच्चा था। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन ज़रूर दबाना वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।